हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे। मैंने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी हुई है। और पूरा मेकअप भी वैसे ही किया है। हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम लोग एक मावे एनजीओ है, उसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। 20 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं मावे को। मावे मीन्स मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर्स है। बहुत पुरानी है मावे की। फाउंडर मेंबर है। मेरे को तो अभी 4 साल ही हुए सिर्फ। बताइए आप, चलिए कुछ मावे के बारे में। जब मावे स्टार्ट हुआ था उस समय बहुत ही कम लेडीज आई थी, और हम उसी समय हमने मेंबरशिप लिया था। मेरा भी बुटीक में स्टार्ट किया था, और हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मावे से ही मिला है। जो कुछ थे हम मावे के ने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े थे, और काफी लेडीज आती हैं जो अपना अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करती घर से, और उसके बाद वो उनको अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आगे बढ़ जाती हैं। एग्जीबिशन वगैरह लगाती थी मावे में से ही स्टार्ट किया था। हम गुजराती, ये गुजराती और मैं बंगाली। सदर जेके सेलिब्रेशन में प्रोग्राम हो रहा है, और ये 20 ईयर्स कम्प्लीट कर लिया है। आज 20 फाउंडर्स डे है मावे का। ये हमारे मावे की प्रेसिडेंट है, मिसेज अर्चना भटनागर। आज हम लोग मावे का 20 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। आज ये फाउंडर्स डे भी है इसका, अपना मावे का। मैम, मावे के बारे में बताइए, अपन यहाँ तक कैसे पहुँचे? सन 2000 में हुई थी, और जब मावे उस समय महाकौशल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर्स के नाम से हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि हमारी जोनल अप्रोच थी, कम एरिया था। हमने शुरुआत वहां से करी जब लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था कि किस तरीके से महिलाओं का एक एसोसिएशन होता है। 20 साल की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है। बहुत से लोगों ने हमारे साथ में इसमें काम किया है। हमारा एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसकी, पेटरिंग मेंबर्स हैं इसमें, और हर किसी कोई जो है यहाँ पे वॉलंटरी काम करता है, अपना बिजनेस चलाता है, अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से जो वो शेयर कर सकते हैं, किस टाइप के प्रोग्राम बने हैं, कैसे हम आगे महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने 20 साल में बहुत से काम करे। जैसे कि हम लोगों ने पहले नेशनल लेवल के ट्रेड फेयर्स करे, फिर हम अपने मेंबर्स को इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का हमने फायदा लिया, उसमें एंटरप्रेन्योर्स की एयर फेयर, स्टॉल रेंटल सब फ्री, सारा रीइंबर्समेंट होता है। फिर हमने देश भर की महिला उद्यमी एसोसिएशन उनके साथ कनेक्ट किया। उनके साथ कनेक्ट करते हुए हम लोग क्या म्यूचुअली फायदे ले सकते हैं उस पर काम किया। फिर हम लोगों ने मावे में बहुत सारा काम पॉलिसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत हर्ष की बात है कि हम लोगों ने सरकार से पीछे पढ़ के 3% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब जितनी भी सरकारी खरीद है उसमें 3% की हमने साझेदारी महिला उद्यमियों के लिए सुनिश्चित करा। उन्होंने पिछले 4 सालों में 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल करे जो स्वीप वो तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। हाँ। वो तो मैंने भी अटेंड किया, बहुत ही अच्छा था। उसमें आप सोचो 20 देशों के डेलीगेशन बाहर से आ सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नहीं, आजकल जैसे लेडीज सोचती हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ऑनलाइन भी किसी को अगर पता करना है तो कैसे इनका रजिस्ट्रेशन? www.maveindia.com, और उस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। हम एंटरप्रेनर्स को कैसे लोन मिल सकता है, किस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं, किस तरीके से मार्केटिंग में सपोर्ट हो सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी में, हर लेवल पे हम एंटरप्रेनर्स का साथ देते हैं। और इसीलिए आज 20 साल कंप्लीट करते हुए हमारी थीम ड्रेप्स ऑफ इंडिया है। अलग अलग साड़ियाँ जैसे आपने देखा, अलग अलग पहनावे में आए हुए हैं, है ना। हाँ, जैसे मैं तो असम को रिप्रेजेंट कर रही, मिथिला चादर में आप कलकत्ता को रिप्रेजेंट कर रही, कोई किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ नए नए उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स का टॉक शो है, इसी तरीके से हम लोग आगे बस बढ़ते जाए और महिलाएं जुड़ती जाएं। सच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी यहीं से स्टार्ट किया। मैंने भी पहले मैं एग्जीबिशन लगाती थी, लेकिन जो एक मेरा कॉन्फिडेंस और ये सब आया वो मावे के थ्रू से आया है। अगर मैं शायद यहाँ नहीं होती तो आज मैं यूट्यूबर भी नहीं होती। थैंक यू मैम। को और लोगों से मिलवाती जो मावे से पहले भी
स्टार्ट किए हैं। आपने कैसे मावे में स्टार्ट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं सन 2012 से मावे से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था उसके बाद हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना शुरू किया था। आई वॉज द सेक्रेटरी, देन आई वॉज द ट्रेजरर, और अभी फिलहाल मैं अपने वर्किंग्स में बहुत बिजी हूँ इसलिए समय नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आप प्लेटफॉर्म आपको यहीं से मिला है, तो बहुत जितनी भी आज लेडीज आपको मिलेंगी अधिकतर ज्यादा से ज्यादा यहीं से ही स्टार्ट किया है सबने मावे से ही। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम लोग 20 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं मावे के, लोगों के पास आ गए हैं। अब आप लोग भी कुछ बताइए मावे के बारे में। मैम आप बताइए। हाँ, 20 साल से मावे का शुरुआत हुआ है, तो आज 20 साल सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएंगे। अर्चना मैडम के नेतृत्व में खूब लोगों को व्यवसाय की वो मिली है और लोग आगे बढ़े हैं और ये आज इंटरनेशनल लेवल तक इसका झंडा पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आगे और इसकी बढ़ोतरी हो और ग्लोबली इसका झंडा हमेशा ऊंचा हो। थैंक यू मैम। हेलो ओके बल्ली जी, तुसी किथे हो? दिख नहीं रहे हो? ये ओहो, आगे आ जाओ। की हाल चाल? बढ़िया रक्षाबंधन में केवल भाई से गिफ्ट लिया नहीं, रिटर्न गिफ्ट भी दिया जा सकता है।